अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आज आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली सब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज हम आए हैं पैकेजेस मॉल और हस्बैंड हमें यहाँ पर ड्रॉप करके चले गए थे, तो फिर हम इनकी ये शटल सर्विस है यहाँ पर चलती हैं, तो इसके थ्रू हम लोग मॉल तक जा रहे हैं क्योंकि मॉल के अंदर भी काफ़ी घूमना फिरना था तो फिर बच्चे काफ़ी थक जाते हैं। तो मैंने सोचा चलें इस सर्विस को अवेल किया जाए और इसके थ्रू हम चलो मॉल तक चले जाते हैं। और मुझे पता चला था कि यहाँ नई डॉलर शॉप ओपन हुई है तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को उस डॉलर शॉप का विज़िट करवाऊँ और अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ के डॉलर स्टोर का भी विज़िट करें और दिखाएं कि कैसा है। तो पैकेजेस मॉल का तो पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर आप मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ इसके डॉलर स्टोर को विज़िट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये डॉलर स्टोर कैसा है, क्योंकि पहले मैं आपको इम्पोरियम मॉल का डॉलर स्टोर मैंने आपको दिखाया था और अब ये पैकेजेस मॉल का डॉलर स्टोर है जो नया ही ओपन हुआ है यहाँ पर। वैसे जब मैं पैकेजेस मॉल गई थी तो मैंने काफ़ी विजिट इधर उधर भी किया था और काफ़ी जगहों पर सेल्स लगी हुई थी उस दिन। बोनांजा पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, अगर आप लोग जाएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी सेल है बोनांजा पर। और फाइनली ये डॉलर स्टोर में पहुंच गई हूँ और यहाँ पर भी सब चीज़ें जो थी 160 रुपीज़ में थी। और डॉलर स्टोर आजकल काफ़ी हिट चल रहा है, हर मॉल में हर जगह पर ओपन हो रहा है और कुछ चीज़ें तो ऐसा लगता है कि 160 की नहीं होनी चाहिए थी, इससे एक्सपेंसिव होनी चाहिए थी, और कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंसिव हैं 160 में। बस मिक्स वैरायटी है डॉलर स्टोर्स पर, लेकिन मज़े की चीज़ें होती हैं, क्यूट चीज़ें होती हैं, तो सब लोग काफ़ी शौक से जाते हैं और इस डॉलर स्टोर पर भी काफ़ी रश था। और मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें ले चुकी हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी शॉपिंग मैंने की है और वो मैं आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। वैरायटी मुझे डॉलर स्टोर पर काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि 160 में आपको अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी होती है जो 160 में वाकई नहीं लग रही होती और बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत और एलिगेंट सी ज्वेलरी मिल रही है यहाँ पर। और पैकेजेस मॉल के डॉलर स्टोर में भी ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और टॉयज़ की क्वालिटीज़ तो अच्छी नहीं होती है 160 रुपीज़ में, लेकिन अगर बच्चों को टालना हो तो ये टॉयज़ अच्छे हैं, लेकर दिए जा सकते हैं। लेकिन ये वाले टॉयज़ मैंने नोटिस किए कि बाहर के मार्केट में काफ़ी महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 160 रुपीज़ में ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें मैंने भी यहाँ से पिक की और बस फिर अब हम कैश काउंटर पर आ गए हैं और बिलिंग करवा रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो यहाँ पर नहीं बना सकी क्योंकि रश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इस डॉलर स्टोर पर भी, शायद नया बना है तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मेकअप की क्वालिटी मुझे यहाँ पर कभी भी अट्रैक्ट नहीं की, कभी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे मेकअप को लेना प्रेफर करती हैं, लेकिन मैं इनके मेकअप सेक्शन में कभी गई भी नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल मेकअप यहाँ का अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। हाँ, क्रॉकरी देखें या कुछ डेकोरेशन आइटम्स देख लें या इस टाइप की कुछ चीज़ें, आपको किचन एक्सेसरीज़ अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से, बास्केट्स वगैरह या इस टाइप की चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से। और ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग है, ये एक बास्केट मैंने ली थी, अच्छे बड़े साइज़ की थी और इसके अंदर अपना मेकअप वगैरह या कोई भी चीज़ें ऐसी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये ग्लास का प्लेटर ही आप इसको कह सकते हैं, तो ये मैंने वहाँ से लिया था और अच्छी क्वालिटी में था और 160 में नॉट अ बैड डील,
तो ये एक मैंने वहाँ से बाय किया था। और उसके अलावा ये एक कटर है, बेसिकली ये फ्राइज़ कट करने के लिए है, तो ये एक मैंने वहाँ से लिया था। और ये एक सेट मैंने वहाँ से लिया था कटर का और नाइफ़ का, अच्छा था, अट्रैक्टिव था, तो ये भी मैंने ले लिया वहाँ से। और मैंने आपको बताया ना कि किचन एसेसरीज ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं डॉलर स्टोर पर। और ये एक पॉट मैंने, प्लांट पॉट छोटा सा, मुझे बहुत क्यूट लगा, तो ये मैंने वहाँ से बाय किया था। इस तरह के काफ़ी पॉट्स मेरे पास हैं घर में, मैं डिफरेंट जगहों पे रखती हूँ, तो बड़े प्यारे लगते हैं ये पड़े हुए। किचन में भी आप रख सकते हैं, अपने लाउंज में, जहाँ पे भी रखें बहुत अच्छे लगते हैं। और एक ये इस तरह का मैं पहले भी लेकर आई थी और ये मुझे अच्छा लगा, क्यूट लगा, कारपेट स्टाइल का, तो एक ये मैंने वहाँ से ले लिया था। और ये फ्रूट बास्केट मुझे बहुत पसंद आई, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और सिर्फ 160 रुपये में, बिल्कुल भी मुझे एक्सपेंसिव नहीं लगी, तो ये एक मैंने वहाँ से ली। वैसे मेरा वहाँ से कुछ भी लेने का प्लान नहीं था, लेकिन जब ऐसी जगह पे जाएं आप तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बस छोटी सी शॉपिंग जो मैंने पैकेजेस मॉल के डॉलर स्टोर से की। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।